Johar and welcome to my YouTube channel. So friends, today is part 12 of MS Word 2019 and 2021 beginners to pro course का और इस part 12 में हम बात करेंगे line spacing settings की. Okay friends, तो आगे बढ़ते हैं. So friends, topic is line spacing. तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक paragraph type करना है. ठीक है, तो we will use the random function or in the rand. Okay, one paragraph, four lines. All right. प्रेस एंटर. ओके, तो एक पैराग्राफ हो गया. नाउ अब हम क्या करेंगे, लाइन स्पेसिंग. जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बीच में जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग कैसे सेट करते हैं. ओके, तो अभी क्या करना, होम टैब पे जाना है. ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है, ये जो कमांड है पैराग्राफ ग्रुप में, ये जो कमांड है, ठीक है, दिस इज द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड. ओके, जस्ट क्लिक इट. लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में जाएंगे. ठीक है, स्पेसिंग. ठीक है, यहाँ पे आपको सारे स्पेसिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो. ठीक है, लेकिन हम ऐसा हम इस ऑप्शन का यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, हम यूज़ करेंगे शॉर्टकट की का. ओके फ्रेंड्स, तो जो शॉर्टकट की है टू गिव स्पेसिंग इन योर पैराग्राफ, जो स्पेसिंग करने के लिए जो पैराग्राफ में जो शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं, वो है Ctrl+1, Ctrl+2 एंड Ctrl+0. ओके, एंड Ctrl+5. तो जस्ट सेलेक्ट इट, Ctrl+1. जब Ctrl+1 आप जैसे ही सेट करोगे, ठीक है, एंड व्हेन यू चेक इट द ऑप्शन, यू विल सी द लाइन स्पेसिंग इज सिंगल. ठीक है, जो भी डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग था, वो Ctrl+1 जो है उसको रिमूव कर देता है और सिंगल लाइन स्पेस सेट करता है. Ctrl+1 फॉर सिंगल लाइन. ओके, नाउ Ctrl+2 फॉर डबल लाइन. ओके, चेक इट अगेन, डबल लाइन आ गया. ओके, नाउ Ctrl+1 इज बैक अगेन. ओके, जो डिफॉल्ट था उसको रिमूव कर देता है Ctrl+1. ओके, नाउ Ctrl+5. ठीक है, अगर आपको वन एंड हाफ, एक और आधा लाइन छोड़ना है, तो आपको आपको प्रेस करना है Ctrl+5. ठीक है, Ctrl+5. तो आप चेक कर सकते हो फिर से, 1.5 लाइंस. ठीक है, वन एंड हाफ लाइन अगर आपको स्पेस देना है पैराग्राफ में, तो Ctrl+5. ओके, लेकिन वर्ड में जो डिफॉल्ट स्पेसिंग होता है, वो होता है 1.15. ठीक है, और उसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+0. ठीक है, Ctrl+0 जैसे आप टाइप करोगे, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 1.15 लाइंस. ओके, Ctrl+0. ओके फ्रेंड्स, जितने भी शॉर्टकट मैंने यूज़ किए हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपको. ठीक है, जस्ट रीड इट वंस. टू सिंगल स्पेस प्रेस Ctrl+1 एंड यूज दिस कमांड टू रिमूव अदर लाइन स्पेसिंग वैल्यूज. ठीक है, अगर आपको सिंगल स्पेस देना है, तो Ctrl+1 का यूज़ करना है. और Ctrl+1 क्या करता है, जो भी पहले से जो स्पेसिंग वैल्यू होगा उसको रिमूव कर देगा. ठीक है, अगर आपको डबल स्पेस देना है, तो Ctrl+2 करना है. ठीक है, अगर आपको वन एंड हाफ लाइन स्पेस छोड़ना है, तो Ctrl+5 करना है. ठीक है, और Ctrl+5 क्या करना है, आपको जो जो टाइप राइटर में जो आपको टाइप राइटर में जो नंबर की पैड होता है, जिसमें जिसमें सिम्बल्स होते हैं, ठीक है, वो आपको नंबर्स यूज़ करना है. की पैड, नम की पैड का नंबर्स यूज़ नहीं करना है, 1, 2 या 5 या 0. ठीक है, आपको जो अल्फ़ाबेट्स, जिसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसमें न्यूमेरिक्स होते हैं. ठीक है, फंक्शन की के जस्ट नीचे वाला रो जो होता है, आपको उसका यूज़ करना है, नम की. ओके, एंड Ctrl+0 कीबोर्ड शॉर्टकट टू अप्लाई द वर्ड डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग विच इज़ 1.15. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें. ठीक है, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.